राम राम। मान लो तुम्हें एसएससी की तैयारी करनी है, ठीक है, मान के लो कर रही होगी तैयारी, तुम एसएससी की तैयारी तुम्हें कर रही, तुम कर भी रहे हो तैयारी, और तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है फाइनल सिलेक्शन के लिए, या फिर ज़्यादा टाइम तुम्हारे पास नहीं बचा है कि उस तैयारी में तुम पॉलिश कर पाओ। हम एक छोटा सा सजेशन तुम लोगों को देते हैं, या फिर छोटी सी राय मेरी तरफ से ले लेना, कि जब भी तुम एसएससी की तैयारी करते हो, तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, काम तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा है, तो एक छोटा सा काम बस ये कर लेना, प्रैक्टिस को अपनी इंक्रीज कर देना, अपनी प्रैक्टिस में बूस्ट ला देना, अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाना चालू कर दो। ठीक है, अब समझो मेरी बात, हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखो, जब भी तुम एसएससी की तैयारी करते हो, तो एसएससी का मतलब ही यही होता है कि प्रीवियस ईयर, एसएससी का डायरेक्ट कनेक्शन है प्रीवियस ईयर से, और वो तुम किसी भी सब्जेक्ट में बात कर लो हमसे, जनरल स्टडीज़ में बात कर लो, जनरल इंग्लिश में बात कर लो, और अर्थमेटिक में बात कर लो, या फिर किसी भी तुम करंट अफेयर्स को अगर छोड़ दें, तो बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं उनमें प्रीवियस ईयर पेपर पर ही पूरा एसएससी टिका हुआ है। ठीक है, अब होता क्या है, हम एक एक सब्जेक्ट का ब्रेकडाउन करते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य ज्ञान की, जनरल स्टडीज़ की बात करते हैं, जिसमें कि करंट अफेयर्स को सेपरेट रखेंगे, क्योंकि करंट का मतलब यही है कि आज का इशू क्या है वो पूछा जाएगा। ठीक है, जनरल स्टडीज़ की अगर हम बात करें, तो उसमें जितने भी, अगर तुमने कभी जनरल स्टडी नहीं पढ़ी है, तुम प्रीवियस ईयर पेपर उठा लाओ, 8 साल के, 5 साल के, 8 साल तो बहुत ज़्यादा हमने बोल दिया, सॉरी, 3 साल या 5 साल के तुम प्रीवियस ईयर पेपर उठा लाओ। अब 3 या 5 साल में एसएससी के जितने भी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनको पढ़ लो तुम, और उनके नीचे जो उनकी एक्सप्लेनेशन दी होती है बस उसको पढ़ लो। ये दोनों चीज़ें पढ़ लो, तुम्हारे एसएससी में जनरल नॉलेज में जो लोग पूरा सिलेबस खत्म करके जा रहे हैं उनसे ज़्यादा ही नंबर आएंगे। क्यों? जनरल स्टडी में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे यार, टॉपिक ही इतने हैं, उसी से रिपीट होता रहेगा। करंट अफेयर्स का कोई टॉपिक नहीं होता है, क्योंकि वो डेली करंट है, इसका मतलब डेली बन रहा है। लेकिन जनरल स्टडीज़ की बात करें तो वो लिमिटेड रिसोर्सेज ही हैं, उतने से ही पूछा जाएगा। तो अगर तुम्हें जीके की नॉलेज नहीं है, तुम प्रीवियस ईयर पेपर लगा डालो चाप के 5 साल के, और यकीन मानो तुम्हारा एक क्वेश्चन नहीं गलत होगा। खैर, चलते हैं नेक्स्ट चीज पे, वो है मैथमेटिक्स। मैथ में अगर आपके बेसिक्स क्लियर है, ठीक है, बेसिक आपको अच्छे से पता है, थ्योरी आपको पता है, और आपको ये भी पता है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ इम्प्लांट करना है, सारी चीज़ तुम्हें पता है, अब तुम प्रीवियस ईयर पेपर लगाना चालू कर दो, जितने भी 3 साल 5 साल में आए, क्योंकि 3-5 साल में हर वो वैरायटी के क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं जो आगे आने वाले पेपर में आने वाले हैं। और इतने जब तुम क्वेश्चन लगा लेते हो तो तुम्हारा दिमाग ऑलरेडी इतना ग्रो कर चुका होता है कि अगर उससे हटके भी कोई क्वेश्चन आएगा, यू विल, अंग्रेजी हो गई, उसको वापस लेते हैं हम, मतलब तुम कर ले जाओगे। ठीक है, तो ये हो गई बात मैथमेटिक्स की। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश की अगर हम बात करें, देखो, रूल्स तुम चाहे जितने पढ़ लो पेपर में गलत होंगे ही, तो इससे अच्छा क्या है, मैगजीन पढ़ लो। ठीक है, मैगजीन तो हमने हमेशा बताते हैं, मैगजीन पढ़ लो। उसके अलावा जब तुम प्रीवियस ईयर पेपर लगाते हो, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर का मतलब ये होता है कि जो तुम्हारा वोकैब पोर्शन है वो तो 90% कवर हो चुका है, वोकैब का। प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ लिया तुमने, 90% वोकैब कवर हो गया। कैसे? जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उनकी भी बारे में पता होना चाहिए। जैसे एक एंटोनिम उसमें पूछा गया, उसमें 4 ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन सही होगा, लेकिन बाकी के 3 की भी मीनिंग तुम्हें पता होनी चाहिए। अगर इतना पता कर लिया, तुम्हें वोकैब भी कहीं से करने की जरूरत नहीं है। ग्रामेटिकल पोर्शन जो आता है उसमें क्या होता है, रूल्स होते हैं। अब रूल्स में क्या होता है, सेंटेंसेस में रूल्स को इम्प्लांट करना होता है। ठीक है, अब वहाँ पे जो तुम सेंटेंस देखते हो पिछले 3-5 साल के, और उसमें तुम्हें रूल्स इम्प्लांट करने होते हैं, तो कई बार तुम भूल जाते हो। लेकिन जब तुम प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे होते हो, तो मेरे हिसाब से रूल से ज़्यादा जो काम चीज़ें आती हैं कि तुमने उसको कितनी बार पढ़ा है, कितनी बार चीज़ों को समझा है, या फिर तुम्हारी इंग्लिश कितनी अच्छी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जो बोलचाल की भाषा में ही सही हो जाते हैं, मतलब कि अगर वो तुम सेंटेंस पूरा बोलोगे ही, तो अगर तुमने कहीं भी कोई मैगजीन पढ़ी है, कोई नेटफ्लिक्स में मूवी देखी है जिसके सबटाइटल्स अंग्रेजी में थे, तो तुम जब वो सेंटेंस पढ़ते हो, तो पढ़ते ही पढ़ते उसका जो फिल इन द ब्लैंक्स होगा, कोई एरर होगा, अपने आप सामने आ जाता है, तुम्हें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो ये था सिंपल फंडा एसएससी को निकालने का, कि प्रीवियस ईयर पेपर पे जान लगा दो। राम राम, जय।